हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जिसको कि मैंने टू कलर में बनाया है। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी है, इसे बिगनर्स आसानी से बना सकती हैं। ये टू फंदों की डिज़ाइन है, इसलिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जब हम फंदे डालेंगे वो टू के मल्टीपल्स में डालेंगे। यहाँ पर मैंने 16 फंदे डाले हैं, 2 रो का बॉर्डर बिना है जो दोनों ओर से उल्टे उल्टे फंदों से बनाया गया है। वैसे तो ये 4 रो की डिज़ाइन है, जिसमें कि एक रो जो है वो आपके भरोसे चलती है और 3 रो जो हैं वो भगवान के भरोसे चलती हैं। यानी कि राइट साइड से सीधे सीधे फंदों से बनाई जाती है, बैक साइड से उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाती है और फिर राइट साइड से सीधे सीधे फंदों से बनाई जाती है। इसलिए ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। फ्रेंड्स, डिज़ाइन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएँ, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से ही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन या मेरे चैनल की कोई भी डिज़ाइन पसंद आती है तो आप उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपका भरपूर प्यार और सहयोग मुझे मिलता रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये प्यार और सहयोग आगे भी इसी तरह से बना रहे। फिर देर किस बात की, डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। पहले जो है, जो रो हम बनाएंगे वो खुद के भरोसे बनानी है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने दूसरे कलर का ऊन लगा लिया है। एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, ये एज वाला फंदा है। इसके बाद 2 फंदों में डिज़ाइन पड़ेगी। डिज़ाइन कैसे पड़नी है, ये ऊन को हम इस तरह से दोहरा लेंगे और इसमें एक धागा जो है हमारा कस रहा है और एक धागा ढीला है। तो जो धागा कस रहा है उस धागे से हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, ये एक उल्टा फंदा और ये दूसरा उल्टा फंदा। और जो ढीला धागा है उसको इस तरह से हम ये धागा खींच लेंगे तो धागा पूरा खींच जाएगा। फिर इसी तरह करेंगे हम, 2 ये ऊन को इसी तरह से दोहरा करके आगे लाएंगे। जो टाइट वाला धागा है नीचे वाला, उससे हम 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे और जो ढीला वाला धागा है ये देखिए खींच रहा है, इसको हम खींच करके इस तरह से कर लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। डिज़ाइन की फर्स्ट रो राइट साइड से कैसे बनानी है, उनको इस तरह से आगे लाना है और जो टाइट धागा है, ये जहाँ पर धागा टाइट है वहाँ पर उस जगह से पकड़ करके 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे। और फिर जिधर से धागा ढीला है, ये दूसरी तरफ से ढीला है, उसको जब ऊन पकड़ के हम खींचेंगे तो वो खींच जाएगा धागा। इस तरह से पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, उनको इस तरह से लाना है दोहरा करके। और ये जो नीचे वाला धागा है उससे हमें 2 फंदे उल्टे बिनने हैं। और इसका जो ऊन है, उनका धागा जो पीछे है, इसको हम पकड़ के खींच लेंगे तो ये धागा पीछे खींच जाएगा। इसी तरह से हमें पूरी रो बनानी है। अब हम डिज़ाइन के सेकंड रो पर हैं, जो कि बैक साइड से है। पूरी रो उल्टे उल्टे फंदों से बनानी है। पहला फंदा आप चाहें तो स्लिप कर लें और इसके बाद के सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। डिज़ाइन की सेकेंड रो भगवान भरोसे उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी। इसको आप कोई भी काम करते हुए आसानी से बना सकते हैं। डिज़ाइन की सेकेंड रो के सारे फंदे उल्टे उल्टे बिने जाएंगे, इस तरह से बुनेंगे। डिज़ाइन की थर्ड रो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और इसके बाद के सारे फंदे भगवान भरोसे यानी कि सीधे सीधे बुने जाएंगे। डिज़ाइन की थर्ड रो राइट साइड से सीधे सीधे फंदों से बनाई जाएगी। डिज़ाइन की फोर्थ रो जो कि बैक साइड से है, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और इसके बाद के सारे फंदे उल्टे उल्टे बिने जाएंगे। ये फंदे आप कोई भी काम करते हुए आसानी से बुन सकती हैं। आप बातें करते हुए, टीवी देखते हुए आसानी से ये फंदे बुन सकती हैं। 4 सलाइयाँ बुन करके एक बार मैंने डिज़ाइन पूरी कर ली है। अब दूसरी बार बुनने जा रही हूँ तो ध्यान से देखिएगा कैसे बुनेंगे। 4 रो रिपीट डिज़ाइन है, उनका कलर चेंज कर लेंगे और डिज़ाइन की फर्स्ट रो किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे, उनको अपनी तरफ आगे करेंगे, इस तरह से दोहरा मोड़ करके इस तरह से आगे करेंगे दोहरा करके ऊन। और 2 फंदे उल्टे बुनने, जो ढीला फंदा जा रहा है इससे नहीं बुनने,
जो टाइट ऊन जा रहा है इससे बुनना है, ढीले वाले ऊन से नहीं बुनने, टाइट वाले जो धागा है वहाँ से बुनना है। ये दो फंदे उल्टे बुन लेंगे और उसके धीरे धीरे से ये जो हमारा ऊन है इसको पकड़ के खींच लेंगे तो इस तरह से बन जाएंगे। फिर इसी तरह से बनाएंगे, ये दोहरा ऊन लेंगे इस तरह से, जो टाइट वाला साइड है उधर से दो फंदे उल्टे बुनेंगे और जो ढीला वाला साइड है उधर से ये उनको खींच लेंगे और ये डिजाइन बन जाएगी। अगर आपको इस तरह से कठिन लग रहा हो तो मैं एक दूसरा ढंग बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। उनको अपनी तरफ आगे कर लीजिए और दो फंदे उल्टे बुन लीजिए, इस तरह से दो फंदे उल्टे बुन लीजिए। दोनों फंदे फिर से पहली सिलाई पर कर लीजिए और उनको इन दोनों फंदों के आगे से लेकर के ये पीछे इस तरह से ले जाइए धागे को, और फिर दोनों फंदे इस तरह से सिलाई में उतार लीजिए और उनको फिर से आगे कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी ये डिजाइन बनती चली जाएगी। अगर आपको इस तरह से सरल लगता है तो आप इस तरह से भी बना सकती हैं। फिर से देखिए कैसे मैंने बनाया है, दो फंदे उल्टे बुन लिए, दोनों फंदे सिलाई पहले वाली सिलाई में ही कर लिए, उनको इस तरह से दोनों फंदों के आगे से पीछे ले गए और दोनों फंदों को फिर से उतार करके पहले वाली सिलाई में कर लिया, फिर से उनको इस तरह से आगे लिया। ये देखिए वैसे ही बनेगा जैसे कि मैंने डिजाइन में बनाया था। आपको जिस तरह से भी लगे सरल आप उस तरह से बना सकती हैं। दोनों फंदे उल्टे बुन लेंगे, दोनों फंदों को पहली सिलाई में कर लेंगे, उनको दोनों फंदों के आगे से पीछे ले जाएंगे, फिर से दोनों फंदे सिलाई में कर लेंगे और उनको आगे ले आएंगे। इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे। इस तरह से अगर आपको सरल लगता है तो आप इस तरह से भी बुन सकती हैं। बहुत ही सरल डिजाइन है और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। इसे आप दो कलर में, चार कलर में, मल्टी कलर में, बचे खुचे ऊन से जैसे भी चाहें वैसे आप बना सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन दिखाई देगी। ये इस तरह से हमने बना लिया है और ये लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से ये डिजाइन कंप्लीट हो गई है। डिजाइन की फर्स्ट रो मैंने राइट साइड से कंप्लीट कर ली है। डिजाइन की सेकंड रो जो कि बैक साइड से है, पहला फंदा स्लिप करके सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। डिजाइन की सेकंड रो बैक साइड से उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी। इस डिजाइन को आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसे आप बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, बच्चों की फ्रॉक में डाल सकते हैं, कैप में डाल सकते हैं, मफलर में डाल सकते हैं। जिस किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डालेंगे वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। डिजाइन की थर्ड रो जो कि राइट साइड से है, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, इसके बाद सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। पूरी रो हमें सीधे सीधे फंदों से बनानी है। फोर्थ रो बैक साइड से है, पहला फंदा स्लिप करके सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, इसे आप बनाइएगा ज़रूर। बहुत ही आसानी से बन जाती है और बनती भी बहुत जल्दी जल्दी है। डिजाइन की फोर्थ रो उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी। ये डिजाइन मैंने डबल कलर में बनाई है। आप चाहें तो इसे मल्टी कलर में भी बना सकती हैं। जो भी आपके पास बचे खुचे ऊन हैं उनसे भी बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी डिजाइन? आशा करती हूँ कि आपको ये डिजाइन बहुत पसंद आई होगी। तो देर किस बात की, उठाइए ऊन सिलाई और बनाना शुरू कर दिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई डिजाइन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।